विधर्मियों के शासनकाल में उनको विकृत और विलुप्त करने का भरसक प्रयास किया गया। कोई भी देश कितने ही वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, मानवाधिकार की सीमा में उसे स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार रहता है। हमारे मठ मंदिरों को विकृत किया गया, दूषित किया गया। मानवाधिकार की सीमा में हमारा दायित्व है कि हम विकृत स्थल को पुनः पूर्व रूप प्रदान करें। मानवाधिकार की सीमा में मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र का भी दायित्व होता है कि उसमें सहभागिता का परिचय दें। ज्ञान व्यापी को देखकर जो फैसला आया है उससे आप संतुष्ट हैं, और आगे जो आगे सरकार की कार्रवाई है जो आगे, तो कब तक वो? ऐसा है कि प्रारंभिक चरण में ठीक है, लेकिन न्यायालय की एक प्रक्रिया है, जिला स्तर से प्रांतीय स्तर, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे, प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। लेकिन मानवाधिकार की सीमा में हमारा कोई भी लांछित स्थल है, विकृत स्थल है या प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक है, तो उसे निरस्त करना आवश्यक है। मुस्लिम तंत्र का भी यह कथन है कि जहाँ पर अन्यों की उपासना स्थली हो वहाँ मस्जिद ना बने, उनका भी नियम। स्वामी जी, अब हिंदू कब तक आपको लगता है कि हो जाएगा ये? या सरकार को पहल करनी चाहिए या मुस्लिम समुदाय को भी इसमें? ऐसा है कि व्यक्तिगत रूप से मुझसे कोई किसी ने, संस्था विशेष ने या व्यक्ति विशेष ने संपर्क नहीं साधा है, पूरी जानकारी हमको नहीं है। समाचार पत्र के माध्यम से जितनी जानकारी है उसके आधार पर हमने भाव व्यक्त किया। अगर समिति के सदस्य हमसे मिले होते, पूरी जानकारी देते, तो हम उनको कुछ मार्गदर्शन देते। प्रचार तंत्र के माध्यम से हम कुछ बोलेंगे, लाभ दूसरे उठा लेंगे, समझ गए ना? मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर वक्त बोर्ड जितने भी हैं उनका सर्वे हो रहा है तो क्यों ना मठ और मंदिरों को भी किया जाए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कौन सा मठ मंदिर? सारे ही कहना है, मैं नहीं कह रहा। मैं सुनिए, स्वर्ण मंदिर का नाम सुना है? भिंडर वाला ने उसको केंद्र बनाया था या नहीं? वो स्वर्ण मंदिर का सदुपयोग था या दुरुपयोग? अगर दुरुपयोग होता है मठ मंदिर का या उपासना स्थली का, तो उसको आतंक का केंद्र मानना चाहिए या उपासना स्थली माननी चाहिए? विचार तो ये है। अगर कोई मठ मंदिर आपको ऐसा लगता है या समाज को ऐसा लगता है कि विस्फोटक सामग्री है या किसी वर्ग को मारने के लिए वहाँ तैयारी है, तो मठ मंदिर के साथ, लेकिन आत्मरक्षा का दायित्व तो मानवाधिकार की सीमा में सबको है। भिंडर वाला ने गुरुद्वारे का दुरुपयोग किया था या नहीं? आसाम के मुख्यमंत्री जी ने कहा या नहीं कि हमने मस्जिदों को नहीं छेड़ा है, मस्जिद के नाम पर आतंकवाद के घर को छेड़ा है?